ये गाजियाबाद के अंदर माधोपुरा जगह है और यहाँ ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड है और ये राजनगर के अंदर विजयनगर के अंदर, ठीक है। तो जरा 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 बताइए यहाँ के क्या चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, कौन चल रहे हैं? अतुल जी, अतुल क्या? नहीं नहीं, सच बताएं। आपको, आप देखिए 26 तारीख को आप लोग वोट देने के लिए जाएंगे, वोट तो देंगे? हाँ, वोट देंगे। वोट देंगे तो किन मुद्दों पे वोट देंगे, क्या सोच के? मैं कमाई के चक्कर में काम धंधे चले, काम कारोबार चले, बिजनेस चले, लोगों के धंधे बढ़े, लोगों को धंधे नहीं है, खाली बैठे हैं, खाली है सब, देख तो लो ये आपके साथ ही हालात दिख रहे हैं आपको। क्या करते हैं अधिकतर लोग, क्या करते हैं? सारे मजदूरी करने वाले हैं, रोजमर्रा कोई पेंट करने वाला, कोई कुछ करने वाला, कोई डेयरी ठेली चलाने वाला, जो भी है सब ऐसे ही है। देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे दो सबसे बड़े प्रमुख कैंडिडेट हैं, एक अतुल जी हैं जो कि, और दूसरे जो हैं वो डॉली शर्मा है ना, एक इससे पहले वीके सिंह थे दो बारी, तो इस बार क्या लगता है? नाम ना अब तक है वीके सिंह, नहीं नहीं हमने देखा नहीं गाजियाबाद में। आपने वीके सिंह जी को नहीं देखा? नाम जान देखा ही नहीं हमने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार, जैसा कि इन पे इल्ज़ाम लगता है कि बेरोजगारी बड़ी है, आप लोग का इसमें क्या समझना है? बात ही हकीकत है, इल्ज़ाम जो लग रहा है सही लग रहा है, रोजगारी नहीं है, बेरोजगारी हो रहा है सबके तरफ, टोटल कारोबार नहीं है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, आप क्या करते हैं वैसे, क्या नाम है आपका? मैं भी मजदूरी टाइप का काम करता हूँ, पेंट का काम करता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है दिलीप कुमार। दिलीप भाई, जरा सोच के देखो। हाँ जी, कुछ जी जरा बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं वैसे? मैंने ये मैट्रिक कर रखी है। मैट्रिक आपने कर रखी है और आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई। कितने बाल बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं मेरे पे, दो बेटी एक बेटा है। और तीनों पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने के 12,000 रुपये, वो भी खेस्तान करके। अगर रेगुलर करूंगा तो रेगुलर करेगा तब तो 30 दिन लगातार काम करने पे 12,000 का गुजारा कैसे चलता है? तो चलता ही है जी, अभी चलाना पड़ता है, अपना पेट काटता हूँ तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, और क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, कुछ नहीं। मारने पहले ये समझ लो कि प्राइवेट स्कूलों में तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता, 1200-1500 की फीस देने की मेरी औकात ही नहीं है जो है, तो मैं वही जो छोटे मोटे स्कूल है जिसमें 250-300 रुपए जाती है उनमें ही पढ़ाता हूँ अपने बच्चे। तो वोट देने जाएंगे आप लोग? जरूर करूंगा, सपोर्ट भी मैं बीजेपी को ही करूंगा। आप कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने बताया कि रोजगार नहीं होने की वजह से यहाँ सब बैठे हैं, दिक्कत जा, पर आप कह रहे हैं कि वोट आप बीजेपी को ही करेंगे, इसकी खास कोई वजह? खास वजह यह है कि सर मैं जो शुरू से ही बीजेपी का रहा, शुरू से ही, जब से मेरी वोट आई है जब से मैं बीजेपी का रहा। मुद्दा है इसका, इधर सामने आ जाइए, सामने आ जाइए जी। बीजेपी के अलावा कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे विश्वास करें इसको डाल दें, क्योंकि चेहरा इस टाइम नजर नहीं आ रहा है। तो इस बार बड़ी मजबूत नेता उनकी डॉली शर्मा, डॉली भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है कि हम जिताए किसे। चेहरे से परेशान है ये, किसको खड़ा करो, किसको वोट दें? अगर प्रधानमंत्री बनाए तो किसे बनाए? आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जो दूसरा एक मोदी जी का चेहरा, पर दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं दिख रहा यार, सारे अपने अलग अलग मत है, उसमें तो ऐसा कोई सा नहीं है जिसको हम सपोर्ट करें, ना तो हमारे लिए कांग्रेस बुरी है ना बीजेपी बुरी है, दोनों ही सही है पार्टी, मगर कांग्रेस में कोई चेहरा ही नहीं दिखता। राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, क्यों कहते हैं? अरे तुम काम ही ऐसा करो जो पप्पू करवाए जा रहे हो, उसमें क्या कहा जा सकता? कैसे काम करती है राहुल? क्या एक मैंने उनका वो देखा था इंटरव्यू, उसमें कह रहे थे कि खेत में टैल लगवा दूंगा, किसानों के खेत पैरों में मिट्टी नहीं लगेगी, ये इंटरव्यू दिया था उन्होंने, अगर खेत में हम टैल लगा लेंगे तो जोते बोएंगे। ये कौन से इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? ऐसी बात तो उन्होंने नहीं कही है, ये मुद्दा आया है, ये बात रहने दो, खेत नहीं, मैं और भी बहुत सारे बयान है, खेत के अंदर टाइल्स की बात नहीं कही है। नहीं, खैर ये मुद्दा नहीं है, आपको क्या लगता है? मैं सारी बात नहीं नहीं ऐसा ऐसा देखो जी, यहाँ पे जी देखो जी, जब पहले कह रहा था पहले भैया मैं बता रहा हूँ, पहली क्लियर बता बताऊंगा, जब चुप पैदा जी 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 छोटा हूँ जी, बताइए समझदार हो गया। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे थे? बोलिए, आप बड़े हो, हमारी आज तक माधवपुरा के अंदर पानी की समस्या खत्म ना हुई, अब हो गई है, अब होगी यार, राइट में है ना, अरे बुलंदशहर का हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ देख रहा हूँ किसी ने पानी की समस्या ना करी, गली गली में बोरिंग हो रहा है,
और ये बोल रहे हैं कि आप बीजेपी की वजह से ही हो रहा है। हाँ हो रहा है। अच्छा और होगा भी। यहाँ का मेयर भी बीजेपी का ही है। होगा ही तो वो विकास का काम कर रहे हैं। होगा देश में। ठीक है ये जो है ना जो सपोर्ट चलती ना एक ने दूसरे को इलेक्शन में खड़ा अपनी जब ना मिलती कोई सपोर्ट ले लेते हैं वो बेकार है। जब तड़पते रहते हैं जैसे मरने के बाद में आदमी चला जाता है तड़पता रहता है ऊपर भी नीचे भी और बीच में भी तड़पता रहता है। जब एक होता है तो सिंगल जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल जाता है आदमी अपनी जगह जब बताओ तुम जैसे चुनोगे बता तो रहा हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। बताइए बताइए मुझे भी नहीं समझ में। सपोर्ट ठीक है सिंगल ठीक है राइट में वाकई में खुला दरबार है खुला ही काम कर रहा है। माधवपुरा में पानी मिल रहा है तुम्हें मिला ना मिला ठीक है बोरिंग है रहा है फिर किस चीज में नौकरी थी बताइए। नगर निगम में थी नगर निगम किसमें वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे क्या बात नहीं करना चाहता मगर नगर निगम में पक्की नौकरी। आप लोगों में से कोई बात करना चाहेंगे। हम लोग माधोपुरा में हैं और ये आप देख सकते हैं ग्राउंड है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं पर एक चीज देखा है कि इस ग्राउंड की कोई घेराबंदी नहीं करी गई है। इसके आसपास रोड है। ये पिछले दो बार से वीके सिंह जीत रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट और इस बार वीके सिंह क्योंकि उन्होंने मना कर दिया इलेक्शन लड़ने से तो यहाँ से अतुल हैं उनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। उनके सामने हैं डॉली शर्मा बहुत ही मजबूत कैंडिडेट माना जाता है जो गठबंधन है उनकी तरफ से उनको तो ये दोनों हैं और साथ में जो यहाँ पे माहौल दिख रहा है उसमें बेरोजगारी तो दिख रही है महंगाई की भी बात हुई पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इनको दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा है। जब ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो इनको अगर ऑप्शन दिखे तो ये कहते हैं कि फिर शायद इसके बारे में सोच सकते। मेरी समझ यही कहती है कि जो लोग हैं वो अभी भी मोदी जी को ही देख के वोट दे रहे हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था सही हुई उसकी भी बात करी गई पर हाँ बेरोज़गारी और महंगाई की भी बात हुई है। तो अब हम आगे निकलते हैं और जानने की समझने की कोशिश करते हैं लोगों से कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव का।